नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय आम आदमी पार्टी के ऊपर एक दाग लग रहा है, एक धब्बा लग रहा है, उनकी बदनामी हो रही है और यह है उनके एक विधायक के कारण। हालांकि उनका यह विधायक आम आदमी पार्टी में खास अहमियत रखता है। उसका सबसे बड़ा कारण है एक समुदाय विशेष का वो रहनुमा कहलाता है, काफी हद तक अपने समाज अपने धर्म को सपोर्ट करते हैं। इसी कारण उनकी छवि अपने समाज में बहुत अच्छी है, लोग उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके पीछे भीड़ चलती है। मगर वही विधायक अब आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिराने के लिए या आम आदमी पार्टी पे बट्टा लगाने के लिए अब उनका नाम आगे आ गया है। यह विधायक हैं ओखला से अमान तुल्ला खान। यह विधायक वहां पे काफी एक्टिव रहते हैं, अभी पीछे भी चाहे वो इससे पहले साइनबाग का प्रोटेस्ट हो या अभी जो वहां पे अतिक्रमण को लेके कार्रवाई की गई है उसमें उनकी भागीदारी हो, उन्होंने आके अतिक्रमण को रोका। जो वहां पे काम चल रहा था, जिसके खिलाफ बुलडोजर चल रहा था, अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उसके खिलाफ वो बुलडोजर के सामने आ गए, सरकारी काम में बाधा डाली और यही उनकी मुसीबत का सबब बन गया। पुलिस ने FIR दर्ज की उनके खिलाफ और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, क्योंकि सरकारी काम में बाधा डालना एक गैर जमानती वारंट होता है, एक गैर जमानती धारा होती है। उस चीज को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने FIR दर्ज की MCD कहने पे और फाइनली उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये तो हुई एक काम में बाधा डालने वाली चीजों की, मगर अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है। आम आदमी पार्टी इन दिनों बहुत प्रचार प्रसार कर रही है, ईमानदारों की पार्टी, देशभक्तों की पार्टी, सबसे साफ सुथरे नेता हमारे पास हैं और सबसे ज्यादा ईमानदारी और पब्लिक के लिए काम करने वाली सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे पास हैं। ये पोस्टर आपने पूरी दिल्ली में देखे होंगे, मगर अब उनके ऊपर जो तमगा लग रहा है वो लग रहा है बदनामी का, वो लग रहा है गुंडागर्दी का। और ये हम नहीं कह रहे, ये पुलिस कह रही है। पुलिस ने उनके ऊपर 10 जो एक रजिस्टर होता है, 10 नंबर रजिस्टर में उनके ऊपर नाम उनका दर्ज किया है। अब 10 नंबर रजिस्टर होता क्या है, सीधा सीधा शब्दों में कहें तो जो ये रजिस्टर होता है यह होता है बैड कैरेक्टर वाले नेता या किसी व्यक्ति का। इसमें जिसका नाम चढ़ गया मतलब वो किसी बहुत बड़े उस पर मुकदमे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा छवि खराब है, उस पर हर घंटे हर मिनट नजर रखी जाती है, उसको एक आतंकवादी या उसको एक बहुत ज्यादा बैड कैरेक्टर वाले कैटेगरी में रखा जाता है और इसकी गोपनीयता इस तरह रखी जाती है कि इसका कोई भी रिकॉर्ड किसी भी कर्मचारी, किसी भी पुलिसकर्मी या किसी भी नेता के साथ शेयर नहीं की जाती, उसके ऊपर मिनट मिनट का हिसाब रखा जाता है और इसको एक इंस्पेक्टर लेवल का व्यक्ति इसको ऑपरेट करता है। यह जानकारी हर किसी से साझा नहीं की जाती और जिसमें जिसका नाम इसमें चढ़ गया वो समझो नप गया। और 18 केस इन विधायक जी के ऊपर इस समय दर्ज हैं, सारे ऐसे ही दर्ज हैं, काम रोकना, कहीं किसी लड़ाई झगड़े को उकसाना, अपने लोगों की भावनाओं को भड़काना, गलत तरीके से लोगों का सपोर्ट करना, ऐसे ही 18 मामले इन पे दर्ज हैं। अब इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर रजिस्टर नंबर 10 में एक नाम इनका दर्ज कर लिया है और यह इकलौता नाम है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी BJP का या कांग्रेस का किसी भी नेता का आना, जी हां इकलौता नाम है उनके ऊपर। अब यह जो रजिस्टर में नाम एंट्री हुई है, यानी अब उनके ऊपर बहुत बारीकी से नजर रखी जाएगी और उनकी मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। हर जगह कोई भी कहीं पर अगर कोई काम होता है, किस तरह की कोई गलती होती है, परेशानी होती है, कहीं कोई बलवा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, सबसे पहले विधायक जी का नाम आएगा। यानी ओखला से विधायक इनके ऊपर अब हमेशा
पुलिस की रडार घूमती रहेगी। यह अब एक बैड कैरेक्टर में इन नेता का नाम शामिल हो गया है। इनको हमेशा पुलिस शक की नजर से देखेगी, हर चीज में इन्हीं का नाम उछलेगा। सबसे पहले इंक्वायरी इनकी होगी, सबसे पहले गिरफ्तारी इनकी होगी, सबसे पहले एक्शन इन पे होगा। और ढोल पीटने वाली पार्टी यानी आम आदमी पार्टी, जो अभी तक इतने ऐड प्रचार कर रही थी कि सबसे साफ सुथरे देशभक्त और ईमानदार पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, एक सर्वे भी कराया था, वो अब इनके लिए बदनामी का सबब बन रहा है। क्योंकि करावल नगर क्षेत्र से आने वाले एक निगम पार्षद, आपने देखा था कि किस तरीके से इस एरिया में दंगे भड़के थे और उनका नाम आया था, और कोर्ट ने भी साफ साफ कहा कि इनकी सोची समझी साजिश का नतीजा है कि ये दंगे भड़के हैं, पूरी प्लानिंग से किया गया है और कहीं भी इनको बख्शा नहीं जाएगा। यह कोर्ट की टिप्पणी है एक निगम पार्षद के ऊपर जो आम आदमी पार्टी से है। अभी कुछ दिन पहले ही फरीदाबाद गुड़गामा से भी एक इनके आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद अरेस्ट की जाती हैं, नेता अरेस्ट की जाती हैं, भ्रष्टाचार और लोगों को धमकाने का उनके ऊपर आरोप लगता है और गिरफ्तार होती हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। ऐसा ही एक मामला विनोद नगर लक्ष्मी नगर एरिया से आता है, वहां से उनके निगम पार्षद का नाम आता है, घूस लेते हुए पकड़ी जाती हैं और उनको अरेस्ट किया जाता है। तो अब क्वेश्चन खड़े होते हैं कि आखिर कहां से इनकी पार्टी में ईमानदार हैं लोग, कहां से देशभक्त हैं, कहां से ये पढ़े लिखे हैं, और अभी तक इकलौती पार्टी ये ऐसी है जो ये दावे कर रही है, मगर हकीकत पुलिस के रिकॉर्ड और पब्लिक में जो उनकी छवि है वो कुछ और कह रही है। दिल्ली के अंदर या ये कहें पूरे भारत में 3-4 पार्टियां ऐसी हैं जो नेशनल ग्राफ पे हैं, राष्ट्रीय हैं, इसमें आम आदमी पार्टी अब उभर रही है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी हैं, मगर आम आदमी पार्टी भी इसमें उभर रही है, उसका नाम भी अब धीरे धीरे और जगह बढ़ रहा है। पंजाब हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, गोवा हो, सब जगह ये पार्टी चुनाव लड़ रही है, यानी इसका नेशनल होना अब एक तरीके से तय है। मगर यह भी पार्टी ये इकलौती है जिसके किसी नेता का नाम ऐसे किसी रजिस्टर में आता है। बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं है, कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं है, भ्रष्टाचार में नाम आता है, घोटालों में नाम आता है, मगर आरोप सिद्ध होते हैं नहीं होते हैं, पार्टी के साथ जो भी होता है ये सब चीजें बात की हैं, मगर आज तक किसी भी नेता का नाम ऐसे नहीं आता जैसा इनका आया है, ओखला के विधायक का। अब यह आम आदमी पार्टी गले की हड्डी बन गई है कि करे तो क्या करे। अपने आप को साफ सुथरी पार्टी कहती है, आम आदमी पार्टी कहती है, आम लोगों की पार्टी कहती है, मगर विधायक के नाम एक ऐसे रजिस्टर में आता है जो कि आतंकवादी या बहुत बुरे कैरेक्टर के रूप में उसमें किसी का नाम आता है। अब आम आदमी पार्टी को भी सोचना होगा, क्योंकि अभी यह विधायक 2 दिन पहले अरेस्ट हुए हैं और अभी यह तिहाड़ जेल में फिलहाल हैं। इस बीच में भी इनके साथ बहुत कुछ हुआ और इन्होंने बहुत अपने आप को यह दिखाने की कोशिश की कि मैं आम आदमी का, मैं यहाँ के लोगों का रहनुमा हूँ, मगर उल्टा हुआ और पुलिस ने इनको यहाँ का रास्ता दिखाया और ये फाइनली तिहाड़ जेल में पहुंचे हैं। और यह अभी अरेस्ट होने वाले आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हैं। इससे पहले सोमनाथ भारती को भी साथ भी ऐसा हो चुका है और एक आध नेता के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, मगर उन्होंने अभी केस फाइल उनके ऊपर हुआ है, वो आगे कार्रवाई को झेल रहे हैं। और अब अगर ऐसे नाम आते हैं तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी ग्राफ गिरना अब दिल्ली में तय है और उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगेंगे। एन भारत टीवी दिल्ली।